कल 6 बजे आ रहे थे, 6 बजे बच्चा जेका डिग गया सारे घर। ठीक है, चांदीपुर का बच्चा है, मतलब मेरी भैन रूंदी चांदीपुर, उन्हें मैं गया कल दोपहरी, उन्हें खेलने भी लिया सब कुछ कटा सर, जल्द बच्चा डिग गया अस तो मेडिकल लिया, चेरी उम्र 4 साल सर, इतने लगी दिमाग जगह आखू की पूरी मतलब सोच गई सर, इन्होंने की करता फिर अस इन्हें बोले डॉक्टर साहब होने इन्हें बोले थोड़े को अगर नहीं होंगे कोई टेस्ट नहीं करता पहले, अगर इन्हें पहले टेस्ट करते इन्हें जी डॉक्टर टीमें इसी हथ की लाया पहले, अगर बच्चा कोरोना पॉजिटिव हा जो भी हा इन्हें उसी हथ की लाया सर, उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव है, और कोई नहीं है इनके को एक बहाना है, इनके को एक बैड नहीं है, नहीं है खातिर इन्होंने क्या किया, जिस मंदों को कोरोना हो रहा है उनके लिए पूरे बैड उन्होंने इंतजाम किया है, जो बंदा मेरी बात सुनो, अगर मेरी बात सुनो, उनके लिए बैड है, कोई इमरजेंसी केस आ जाता है किसी को दिमाग में सट लग देती है, क्या उनके लिए बैड नहीं लगता, सिर्फ उनको ही लगता है, कोरोना वालों को ही लगता है। ये डिमांड है जो इधर मेडिकल में जो गरीब बंदा जो हमारे साथ हो गया तो वो तो वापिस आ नहीं सकता, लेकिन हमारी ये मांग है जेएमसी से, हम ये मांग करना चाहते हैं जो भी गरीब आए वो किसी का दिल ना दुखाए, किसी के बच्चे के साथ ऐसा बुरा ना करे, और गवर्नमेंट और हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी से अपील हम करना चाहते हैं, जो 1.5 लाख रुपया आप एक डॉक्टर को देते हैं कोरोना के लिए, वो अगर 1.5 लाख रुपया बंद कर देंगे जहाँ पे कोई कोरोना नहीं आएगा, हम ये मांग करते हैं नरेंद्र मोदी से, अगर 1.5 लाख रुपया बंद कर देंगे कोई कोरोना नहीं आएगा जहाँ पे, ये इन्होंने डॉक्टरों ने अपना ये एक गंदा बना दिया है, हमारी यही मांग है नरेंद्र मोदी से, और हमारी जो जेएमसी से गवर्नर साहब से जी हमारी ये अपील है, जहाँ पे भी जो आते हैं हॉस्पिटल में आते हैं गरीब लोग ही आते हैं, अमीर लोग तो कोई आता नहीं है, कोई बंदा बीमार होगा किसको सिर पेड़ी होगी उसको क्या बोलोगे, इसको भी कोरोना, जो दुख हमें है ना वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, हमारी यही मांग।